अभी यहाँ पे सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। हाँ जी मेरे भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। अपनी गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी देर से प्लान कर रहे हैं कि कुछ मेजर गाड़ी में हम करने वाले हैं और थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही चुके होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं बैकयार्ड कस्टम्स और वहाँ जाके कुछ बातें डिस्कस करके और फाइनलाइज करेंगे और जो इसकी लुक आएगी उसके बाद वो एक नंबर आएगी भाई, एक नंबर। और काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है और अभी यहाँ से जो है बराबर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बैकयार्ड जाके क्या डिस्कशन होने वाली है। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मतलब कुछ गाड़ियाँ और बिल्ड हो रही हैं ऐसी, और मैं आपको बता दूं कि अभी तुषार भैया हमारे वो सेम बिल्ड जो है, जैसे हमारी थार के नीचे जो भी सामान लगा है, चैसी के नीचे नीचे जो भी है, जैसे डिफरेंशियल एक्सल्स और लॉकर्स जो हम लगाएंगे और वो जो उनकी गाड़ी में लगेंगे वो सब बिल्कुल सेम टू सेम है। बस जो रूबीकॉन है तुषार भाई की, उसका जो व्हील बेस है वो थोड़ा लंबा होगा। तो मुझे लगता है कि जब ये दोनों ऑफ रोड करेंगी ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता देता हूँ, अब जैसे वो रूबीकॉन ऑन करते हैं और मैं थार, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है और दोनों जब उनकी गाड़ी भी बन रही है, एक डेढ़ महीने में बन जाएगी, तो दोनों जब ऑफ रोड जाएंगे ना तो जो लोग कमेंट करते हैं ना कि नहीं यार रूबीकॉन तो रूबीकॉन है या थार वो नहीं कर सकती या जो भी ये नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उस दिन आपको प्रूफ हो जाएगा कि यार ये दोनों गाड़ियाँ हैं कितनी कैपेबल बन जाती हैं इस सेटअप के बाद। कोई हेटरेड नहीं है भाई रूबीकॉन के लिए या किसी भी गाड़ी के लिए। कोई भी गाड़ी आप अपनी कमाई से लेते हो, मेहनत की कमाई से लेते हो, तो वो तो यार एक अच्छी चीज़ ही है कि आप ले रहे हो। और बाकी यार पीस आउट है, हम कार एंथुजियास्ट हूँ मैं, तो मैं हर किसी की बिल्ड को रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी कोई हेटरेड नहीं है यार, अपनी कमाई करो और अपने शौक पूरे करो, बाकी सब एक नंबर। आ चुके हैं हम और अभी यहाँ पे सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। थार को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं बीवाईसी में और एक से डेढ़ हफ्ते का टाइम है, उसके बीच में क्या क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब हम आपको जो है दिखाते ही रहेंगे और बीवाईसी में आते रहेंगे। तो हाँ जी भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे टू और हम जा रहे हैं बीवाईसी। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और ऑफिस का काम काज खत्म करके हमने कहा सीधा देख के आते हैं कि थार पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, और आपको भी साथ साथ अपडेट्स देते रहेंगे। टेम्परेचर आज थोड़ा कम है, आज 35 डिग्री के आसपास है, ऐसे जम्मू में भाई 40, 42, 43, 44 ऐसे टेम्परेचर, और गर्मी का तो कोई मतलब ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, पर आज थोड़ा सा फ़र्क है। तो चल रहे हैं बीवाईसी, दिखाएंगे सीन्स और रास्ते में आपको एक शॉर्टकट दिखाते हैं जो रहने वाला थोड़ा सा ऑफ रोड, मतलब वो हमारे लिए ऑफ रोड नहीं पर ठीक है यार। भाई जाने को तो वो हाईवे भी था, पर विशाल भाई करेंगे यहाँ से जाना है, विशाल भाई के कहने पे चल रहे हैं यहाँ से। तो भाई ये बहुत ही शॉर्टकट है और ठीक है, कुछ तो है। बीवाईसी जाने की बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब अपनी गाड़ी कैसी बन के आएगी ना वो थोड़ा सा आइडिया होने वाला है। अभी तो सब मतलब एक्सपेरिमेंट है, और अपनी एक बिल्ड जो अपना प्रॉपर बिल्ड होता है, जो आप मतलब जिसको आप अपना प्यार बोलते हो, जब उस पर आप कोई चीज़ करवाते हो ना तो आपको बड़ा सा चूज़ी होना पड़ता है कि कहीं वो चीज़ मतलब जो चीज़ है उससे अच्छी लगे, और जब कोई चीज़ अच्छी होती है ना तो फिर उसको तो ध्यान से करना पड़ता है यार कि रिस्पॉन्स एक नंबर आना चाहिए। तो भाई हम आ चुके हैं बीवाईसी, अपनी गाड़ी को एक दिन के बाद मिल रहा हूँ तो दिल में ऐसे धक धक सा हो रहा है, और मिलेंगे अभी थोड़ा सा काम करेंगे साथ और मज़ा आएगा। चलो आगे अंदर, हम प्रणव भैया के पास, गाड़ी आते काम चल रहा है, अच्छा लग रहा है देखते हुए। तो प्रणव भैया कैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोबेबली विल स्टार्ट विद दिस डोर, आपको शेड चेक करा लेते हैं एंड उसमें हमें रात का भी पता चल जाएगा कैसा है, ठीक है। देन वी गो ऑन फ्रॉम दैट, प्रोबेबली इसके बाद मूव ऑन द अदर साइड
डू द फेंडर्स, बोथ द फेंडर्स, साइड्स, डिकी एंड देन द बोनेट, बोनेट लास्ट। इसके फेंडर्स थोड़े से एजेस ज्यादा हैं, बट भैया बताएंगे तो इसीलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट इसमें व्हाट वी विल डू इज वी विल प्रोबेबली डू टू लेयर्स, वन लेयर वुड बी दिस, द सेकंड लेयर वुड बी दिस। इसके अंदर में अलग तीन लेयर्स लगेंगी, एक दो तीन, दिस इज वेयर विल कम अप, यहाँ से निकलेगा। बाकी अंदर में दिस इज समथिंग वी नीड टू फिगर आउट फिनिश कैसे करना है, देखते हैं। ऑफ रोड साइड में ये देखो यार, ऑफ रोड के साइड इफेक्ट्स, मिट्टी देख रहे हो। और अभी भैया ने कितनी मिट्टी साफ की है ये भैया ही जानते हैं। बाहर से सारी यहाँ जो रबर की क्लैडिंग होती है वो सारी हमने उतार दी है यहाँ से, ताकि जो हमारे कराने हैं वो आसानी से अच्छे तरीके से और सफाई से हो जाए। भाई डोर खुलने जा रहा है अपना, भाई यहाँ पे आपको रात का कलर नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि हम चाहते कि सस्पेंस बना रहे, पर रोशनी है रात बहुत सुंदर है। कमेंट करके बताओ भैया कौन सा कलर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है ये कौन सा कलर हो सकता है। तो भाई ब्लैक एंड वाइट कर दिया हमने, ताकि आपको तो सस्पेंस रहे कि कौन सा रैप है। और बहुत सुंदर लग रहा है रैप, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब रैप आता तो पता नहीं चलता है ना शेड कार्ड से पता लगता ना रैप से पता लगता है कि वो कौन सा कलर रहने वाला, मतलब कैसा रंग लगेगा। लेकिन यार इट्स यूनिक, इट्स वन ऑफ अ काइंड, और इस गाड़ी पर तो वो कहर वगैरह। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपको थोड़ी सी झलक दिखा देंगे रैप की, तो स्टे ट्यून्ड। अभी वापस जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो हाँ जी भाई, घर पहुंच चुके हैं हम, यहीं होता है आज का ब्लॉग खत्म। नेक्स्ट ब्लॉग जो है काफ़ी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्यार बनाए रखना है। बाकी स्टे ट्यून्ड, काफ़ी क्रेजी कंटेंट आने वाला है, रैप को छोड़ के और भी कोई चेंजेस हम जो है गाड़ी में बड़ी ही जल्दी करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड यू नो आई लव यू।